नमस्कार, हम बानी जी कुमार और सब चालू कर दिले भैया निश्चित भोजपुरी देख। आज हम बात कर रहे बानी एगो ऐसा भोजपुरी सिनेमा जोरा फिल्म के ट्रेलर रिलीज हुई बा। फिल्म के नाम भैया नीलकंठ, जौन हमार देख रहे बानी इसके नाम। ये फिल्म के ट्रेलर के आज कल रिव्यू काहे कि ये फिल्म के मेकर्स लोग के कहना बटे कि भैया भोजपुरी में हमने के इतिहास रस दिले बन जा और बना दिले बन जा एगो ऐसा फिल्म सुपरमैन वाली कि आज तक भोजपुरी के इतिहास में बनने ना रह एकदम ना केहू के औकात तक ना रह लेकिन हमने के बना देने जा। हाँ भाई ये ट्रेलर के रिव्यू तो बनता ना सच में बना तटे। चलिए सब कुछ देखा जाने खातिर काम बहुत जाना बनाए सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कुछ कर दिए। देखिए फिल्म की अगर बात कर लो तो फिल्म में कहानी का बा। हाँ फिल्म के पूरा ट्रेलर तीन वाले देख लेना, पांचों वाले देख लेम समझ में ना आए। चलो ठीक बटे कहानी ट्रेलर के ऐसा समझ में ना आए, बहुत ज़्यादा पेचीदा रहते हैं। लेकिन अब हमने के बात कर ले जाए फिल्म के मेकिंग के बारे में, हीरो के एक्शन के बारे में और देखावल गई पूरा लोकेशन बटे फिल्म ओकरा बारे में। मतलब हम सोच के भी हैरान परेशान बने, दुनिया के हर फिल्म सुपरमैन वाला देख लो हम जा, लेकिन सुपरमैन या तो बहुत ज़्यादा बड़का बड़का इंडस्ट्रीज बड़का बड़का बिल्डिंग वगैरह वगैरह से पूरत नजर आवला, लेकिन ई बुजुर्ग सुपर हीरो बना बगीचा में दौड़त ना या, या, या। हाँ बगीचा में भैया दौड़त अटे हद बा यार। और मतलब फेड़ में से न अकड़ी मकड़ी लिखा एगो जवान निकलत अटे, आँख में लाल बत्ती बरत रहत अटे यार। मेकिंग तो इनके नहीं खे आव, हाँ एकदम बताओ तो नहीं तो उन लोग के मेकिंग नहीं खे आव। सुपरमैन के नाम लिहल छोड़ दो जा, हु दिस सुपरमैन तुम्हारे औकात से बहुत दूर की बात यार। सुपरमैन वाली फिल्म रोगा लोग देख लो हूँ हम तो सोचे के चाहिए यार, समझे के चाहिए कम से कम। ठीक भाई वो कहते कि हम बेहतर फिल्म बनाने की कोशिश करे बनी तो समझ में आओ तो, लेकिन अपना आपके इतिहास में नाम दर्ज करावे खातिर मतलब पागल चौथा कि हर हद पार, मतलब इतना अजीब गजीब कैसे हो सकेला। मतलब कौन माल पे के आई रहा हो जा, हाँ सस्ता वाला भैया सस्ता वाला माल पी के भैया ना तो लोग के दिमाग पर ऐसा नहीं कोनो सस्ता वाला नशा चढ़े, सच बताते नहीं। और वो नशा ना सच में बेकार होला, नशा करे कि भैया महंगा वाला नशा करो, नशा महंगा वाला करवा तो महंगा वाला सोच बनी, महंगा वाला काम करवा, महंगा लेखा स्टाइल मरवा, महंगा लेखा मेकिंग में करवा, लेकिन सस्ता माल मरबो तो यही हाल होला। हाँ सस्ता माल मरबो झीली मरबो तो यही कुल हाल होला। तो सच में हम जान गए कि फिल्म के भैया निर्माता साहब राकेश सिंह बन वो एकदम से झीली वाला माल मार के बन, और उससे बड़का है फिल्म के जो लेखक और निर्देशक बन रामधीर चौधरी। हाँ तो रामधीर चौधरी भाई तू झिल्ली के झिल्ली मारत रहो कि का करत रहो हमके नहीं के पता, लेकिन कम से कम सुपर मैन ऊपर मैन वाला नाम ले छोड़ दो यार। यार ट्रेलर देख के भी बोर हो जाता आदमी, तो सोचा कि अगर फिल्म देखे बैठ जाए तो या दौड़ल दौड़ल देख देख के ना का कहला चंबल बुआ भैया के पूरा चंबलिया जी दिमाग है, सच बताओ तो पूरा दिमाग ही जंगल जंगल हो जाए। तो फाइनली भाई अब एक ट्रेलर के बारे में क्या बताओ भाई के डायरेक्ट डिलीवरी सुन लो, मतलब सिचुएशन एक्शन चाहे वो कहो क्या बोला लोकेशन तो बहुत बड़ा मैटर करता है। बुझाता था कि यही कुल जो नेखन से बनाओ तो अरे आजकल क्या कहला इंस्टाग्राम वाला, मतलब ऐसे बेहतर एडिट कर पा रहे सन। हाँ ऐसे बेहतर एडिट कर पा रहे सन और सच में देखो तो मतलब वीडियो तो कम से कम छोड़ के जाए के ना पड़े, लेकिन एहन लोग ऐसा बटे कि बीच ट्रेलर में छोड़ के भाग जब फिल्म के तो भुला जाए यार, सच में फिल्म को भुला जाए। तो फाइनली भैया नीलकंठ अब नाम रख लेला से यार तो कुछ हो ही ना, और का कहला रवि भैया मतलब रवि भाई ठीक बटे कैसा ला फिल्म कर ले कुछ तो मतलब शरम वरम कर जाए है नीला नीला मीला नीला लगा लेब यार तू तो यूट्यूबरवा जो आला दिन के मतलब करत रह वैसा लागत रहे एकदम सच बताओ ओकरो मतलब गैल गुजरल लागत रहे यार तो नहीं बेटर लागल सो कहीं के बेटर मेकिंग रहेला तगड़ा रहेला, लेकिन तारा के देख के ना वो भी फील नहीं किया सही बात वो भी फील नहीं किया। तो फाइनली और हम का ही बताएं बाकी कलाकार लोग जे ही बड़े ट्रेलर में ही ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग एकदम भरल बा। हाँ एकदम से भैया ओवर एक्टिंग एकदम भरमार दिखत अटे चारों तरफ से चाहे में हो आंचल पांडे ब्रजेश त्रिपाठी राधा त्रिपाठी अजय पटेल अजय ज्वंशी, मतलब अगर देख लो पूरा ट्रेलर उठा के ना तो बुझाई कि यार कहीं गांव से उठ के आगे पालो और मन करे से तो फिल्म बना दे लो बस।
एकर अलावा और कुछ भी दिमाग में ना सोचे। तो बाकी नीलकंठ फिल्म हमको देखे लागत कि ये 2 घंटा भी सिनेमा हॉल रिजर्व करता था, सच बताओ तो सिनेमा हॉल रिजर्व करते थे। और बाकी फिल्म का का हो कहाँ ना हो अभी तो ट्रेलर आज बैठे। बाकी इतना ही, रिव्यू कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और देखते रहे निस्तक भोजपुरी।